हाय फ्रेंड्स, मेरा ये दूसरा वीडियो है आज का। तो ये इसमें भी मुझे स्टोन से ही वीडियो स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि पिंक स्टोन का ऑर्डर है। क्या करूँ, ये स्टोन तोड़ नहीं पा रही हूँ, इतना हार्ड है या सॉफ्ट है मुझे पता नहीं, लेकिन क्या है इसे नीचे रख के तोड़ रहे हैं ना, तो फ्लैट है इसका नीचे, तो इसीलिए ये टूट नहीं रहा है। क्रैक होके इसमें से लेयर्स निकल रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। ये देखिए, इतने सारे लेयर होने के कारण ही ऐसा हो रहा है शायद। वाइट होता तो इस टाइम पे बहुत जल्दी टूट जाता। ये देखिए, ये जब भी जहां से भी खुल रहा है सभी लेयर्स में, और बहुत ज्यादा पाउडर ही बन जा रहा है। इसी स्टोन में से तोड़ तोड़ के देना है, लेकिन ये टूट तो नहीं रहा है। इससे बड़ा स्टोन है और एक, उसको तोड़ना तो और भी मुश्किल है। मेरा हथौड़ा गया काम से। देखिए कैसे ये बिखर रहा है, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। इसको अच्छे से तोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे टूटते। देखिए नीचे का वाइट पूरा पाउडर बन गया इसके वजह से, लेकिन ये नहीं टूट रहा है। बहुत ही परेशान हो चुके हैं। ये देखिए ऐसे बिखर के गिर रहा है, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन पिंक स्टोन तो और भी जो है वो और भी बड़ा है। और एक स्टोन लिया है, देखते हैं इसको तोड़ सकते हैं या नहीं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। टूट गया, ठीक है। यहाँ से अभी 500 ग्राम उठा लेंगे नाचे से। कितने लेयर्स है फिर भी मुझे लगता है मेरा हथौड़ा टूट गया है, इसीलिए तोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये ऐसा स्टोन है, अभी मैं इसको पैकिंग में डालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कौन सी पैकिंग के साथ कैसे जा रहा है। पूरा बड़ा सा स्टोन तोड़ दिया। हाय फ्रेंड्स, आज मैंने एक बड़ा वाला पार्सल जो जिसमें वाइट स्लेट है, ये ब्लैक स्लेट है, देख लीजिए, हमने खोला है तो आपको हम स्टॉक दिखा देंगे, क्योंकि ये स्टॉक अभी खुला है। ये स्टॉक से अभी जो भी वाइट ऑर्डर करेंगे तो ये स्टॉक से आपको मिलेगा। इसमें सॉफ्ट एंड क्रंची दोनों मिक्स्ड में है। ये देखिए कितने लेयर्स में है, जो लेयर होते हैं ना ज़्यादातर वो सॉफ्ट होते हैं। और ये देखिए पाउडर ही सॉफ्ट वाला स्टॉक है। और ये जो स्टोन देख रहे हैं, देखिए इसके बीच में लेयर्स है येलो जो नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं। और क्रम्बल्स भी इस बार बहुत सारा निकला है इसमें से, तो क्रम्बल हमारा बहुत ऑर्डर रहता है। क्रम्बल हमें ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है जब हम स्टोन तोड़ते हैं आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि क्रम्बल्स बहुत ऑर्डर आता है, क्योंकि क्रम्बल में तीनों कलर चारों कलर मिक्स्ड में मिलता है, 500 ग्राम में भी हो जाता है। अच्छा, और एक बात बता दें, हमारा 5 केजी पे एक ऑफ़र है जो आप आज शाम आज तक और आज ही ऑर्डर कर सकते हैं, जो 5 केजी 680 है, उसमें आप ये स्टोन भी ले सकते हैं 2 केजी। बाकी 3 केजी आपको क्ले पॉट लेना पड़ेगा या नाकुमट। आप चाहे तो नाकुमट स्लेट और क्ले पॉट मिला के 5 केजी ले सकते हैं जो 680 में है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए पतले पतले चिप्स जैसा भी निकला है इस बार। ये देखिए
और हम तो बिग स्टोन तोड़ के चिप्स बना के भी दे देते हैं। ये देखिए कितने सारे लेयर्स में हैं, सॉफ्ट है बहुत ही। सॉफ्ट वाला स्टॉक ही क्या होता है, टूट जाता है बहुत जल्दी। ये देखिए इसमें पिंक पिंक लेयर भी है, सॉफ्ट है। ये देखिए ब्लैक स्टोन ऐसा है, हमने यहाँ पे कुछ पिंक स्टोन भी निकाल के रखा है। ये सब ऑर्डर में जाएगा इसीलिए हमने निकाला है। बहुत सारे ऑर्डर है, अब जहाँ से भी अपने हाथ से तोड़ेंगे टूट जाएगा। ये देखिए और कल हमारा जो ब्लैक क्रंची स्टॉक है ना क्ले पॉट का, वो आने वाला है। आज भट्टी लगाएंगे दोपहर तक, कल आ जाएगा, कल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम उसको खोल के आते ही मैं वीडियो बनाऊंगी। स्लेट में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा लगेगा जो आज मैंने खोला है। ये ब्लैक क्यूबिकल बार है, देख लीजिए ये ब्लैक क्यूबिकल बार है। इसका थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से होते हैं। ये देखिए इसका मोटापा ऐसा होता है और ये पूरा प्योर ब्लैक है, इसमें कहीं पे भी कोई सफ़ेद ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरा स्टॉक देख लीजिए, पूरा ब्लैक है। और यहाँ पे भी हम कुछ सजा रहे हैं सभी स्टॉक को। जैसे ये है वाइट किट कैट, वाइट स्क्वायर स्टोन जैसे छोटे वाले, इसका स्टॉक नहीं है, एक दो पीस है यहाँ पे। इसका मेरे पास जो भी है सॉफ्ट लेयर्स में है। ये देखिए जो भी आपको मिलेगा, शेप वाले लेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, बिना शेप वाले नेचुरल स्टोन्स लेंगे तो बहुत ही अर्थी सॉफ्ट में मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ स्टॉक है जो अभी मुझे सजाना है। इसमें वाइट किटकैट भी है सॉफ्ट में। ये देखिए यहाँ पे है रेड मिनी किटकैट, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट में है। रेड वाला थोड़ा हार्ड होता है, रेड को हम कभी भी सॉफ्ट नहीं बोलते हैं क्योंकि मुझे पता है ये रेड थोड़ा हार्ड होता है। और यहाँ पे देखिए बार वगैरह है, स्क्वायर स्टोन है रेड वाला। ये सभी स्टॉक सजा रहे हैं एक एक स्टॉक निकाल के। ये देखिए ये वाइट का छोटे वाले पीस है, वाइट ऑलवेज सॉफ्ट होता है। ये देखिए जहाँ से भी तोड़ेंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी हमारा मुल्तानी का पॉट आ चुका है, आप लोगों ने देखा है। और ब्लैक में जो क्ले पॉट बनता है, क्रंची हो सॉफ्ट हो, दोनों आइटम ही आपको संडे से मिलेगा। वो भट्टी उसका ख़राब हो चुका था तो वो भट्टी फिर से हम सजा रहे हैं, आज रात को लगाएंगे। कल फ्राइडे है, फ्राइडे तक निकलेगा। उसको निकालने के बाद फिर एक दिन हमें दूसरा काम भी करना पड़ता है उसके ऊपर, तो फिर वो उसका जो कालापन है वो पक जाता है, मतलब वो मेल्ट नहीं होता है, ऐसा स्टॉक बन जाता है। तो वो हम करेंगे, उसके बाद संडे से आपको पूरा स्टॉक मिलेगा।